हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस स्टडी में हम देखेंगे आपके पर्सन की आज रात की फीलिंग्स, आपके लिए वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। एकदम हैप्पी रहना है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। इस वक्त आपको इस वीडियो को लाइक करना है, लाइक करने से एनर्जीज बहुत ज़्यादा रेजोनेट हो जाती है, ठीक है। थ्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स। आज रात की इनके पार्टनर की फीलिंग्स इनके लिए क्या है, आज रात इनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेगी मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या सोचेंगे। द फूल आया है यहाँ पे। यस, आपके पर्सन आज आपसे बात करने की कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि एरीज लियो सैजिटेरियस में सिंह धनु राशि के आपके पर्सन हो सकते हैं। गुड न्यूज आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। आपके पर्सन आपको लेके बहुत पॉजिटिव है, बात करना चाहेंगे, कोई है जो इनको रोक रहा है, ठीक है। अगर ये आपके बारे में किसी से डिस्कस करते हैं, कोई इनका दोस्त हो सकता है, तो इनके ही घर में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिनको आपके बारे में पता है, तो आपके बारे में डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ गाइडलाइंस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो कि उनको पूछकर ये आपसे बात करने का डिसीजन लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन वही है जो इनको आपके पास आने से हमेशा रोकते रहते हैं, तो करंट पे ये इनको गाइड भी कर रहे हैं कि हाँ तू बोल, तू उसको अपने दिल की बात बता, तू इस तरह से सैड एनर्जीज में मत रहे, तेरा फेस उतरा हुआ रहता है तो हमें भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है तुझे ऐसे देखना, तो तू बात कर उससे, अगर वहीं पे तेरी खुशी है तो तू बात कर सकता है, ठीक है। पेज ऑफ कप से यहाँ पे मछली है जो कि गुड न्यूज को शो करती है, ठीक है। आपके पर्सन आज अपने दिल की बात, आज आपसे अपने दिल की बात कहने वाले हैं। 100% थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ऐसा नहीं है कि ये अपनी जिंदगी में सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपके पास आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इनका ध्यान आपकी तरफ कंप्लीट है, तो आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। थर्ड पार्टी है जो कि इसको निकालना तो नहीं है, लेकिन अपना दिमाग लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनको आपकी एनर्जी चाहिए, या आपके बिना बिल्कुल भी जी नहीं पाते हैं। इनका जीना मुश्किल, इनका काम पर फोकस करना मुश्किल, इनका जैसे कि खाना पीना मुश्किल, सब इनकी हेल्थ भी इन्होंने इग्नोर कर दी है, क्योंकि आप इनकी लाइफ में नहीं हो। मिसिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा रहेगी, देर रात तक के पर्सन आपको सोचते रहेंगे, आपके केयर को, आपका पास्ट में जो अच्छा अच्छा टाइम आप दोनों ने स्पेंड किया है उस टाइम को ये याद करते रहेंगे, और ये सोचेंगे कि काश ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में नहीं होती तो कितना अच्छा होता, ये कितना ईजिली आपसे बात कर पाते, ईजिली आपसे मिल पाते, करंट में जो सोच रहे हैं सोचना नहीं पड़ता, करंट में आप इनके पास होते। आपके पर्सन आज रात ऐसा सोचेंगे, ठीक है। थर्ड पार्टी है जो कि इजीली जाएगी, ऐसा इनको भी नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। ये 100% इस थर्ड पार्टी को निकालने के प्लानिंग कर रहे हैं, बस ये आपको बताते नहीं हैं। यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स आया है, ये पर्सन आपके साथ इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। नंबर 6 है यहाँ पे, रीयूनियन को शो करता है, रीयूनियन करना चाहते हैं। आप दोनों का करंट पे भले 2-3 दिनों से नो कॉन्टैक्ट चल रहा होगा, आपके पर्सन आज आपसे 100% बात करेंगे, ठीक है। और अगर अभी आज इस वक्त कुछ लोगों को अभी इस वक्त भी मैसेज आ सकता है, रीडिंग देखते देखते कुछ लोगों को जब आप मॉर्निंग में उठोगे आपको आपके पर्सन की तरफ से मैसेज आया है ये दिखाई देगा, ठीक है। मैसेज करेंगे आपको रात को 2 से 3 बजे, तब तक ये करवटें बदलते रहेंगे, आपके बारे में सोचते रहेंगे, परेशान परेशान परेशान, लेकिन दिल इनका खुश रहेगा, ठीक है। क्योंकि इन्होंने डिसाइड कर लिया है, इन्होंने आपको चूज कर लिया है। थर्ड पार्टी को भले छोड़ना नहीं चाहते अभी करंट में, लेकिन ये इनको छोड़ने के प्लानिंग जरूर बना रहे हैं। आपको समझाना इस वक्त, आपको बताना, इनको मतलब सेफ नहीं लग रहा है करंट में, आपको ये बताना, ठीक है। 10 ऑफ पेंटाकल से बहुत सारे लोगों का यूनियन हो रहा है, आपके पर्सन आपसे बात करेंगे और आपको अपने साइड से कर लेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो 6 ऑफ पेंटाकल्स आया है, ये पर्सन आपको अपने साइड से अच्छे से कराएंगे, क्योंकि ये आपके दिल में अपने लिए फिर से पहले जैसा प्यार जगाना चाहते हैं। ये करंट में आपके लिए बहुत एफर्ट्स भी लगा रहे हैं, ये आपके सामने बहुत ज़्यादा प्यार से शो कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, बताने की कोशिश करेंगे। इनकी तरफ से आपको ऐसा मैसेज आएगा, ये उस मैसेज को देखकर आपका दिल बहुत ज़्यादा पिघलेगा और आपका दिल करेगा कि हाँ ये पर्सन मुझसे बहुत प्यार करता है, क्यों मैं ही इसके बारे में इतना गलत सोचती हूँ, मुझे पता है वो थर्ड पार्टी कुछ अच्छी पर्सन नहीं है, मुझे पता है वो थर्ड पार्टी से प्यार कर ही नहीं सकता और मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकता, हम दोनों का प्यार सच्चा है, द लवर्स है यहाँ पे, हम दोनों सोलमेट है और सोलमेट्स को कोई अलग नहीं कर सकता। ये एनर्जीज आपके अंदर है और आपके पर्सन इस एनर्जीज को फिर से जगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आज रात आपके पर्सन आपको लेके तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है,
बहुत सारे लोगों का सुबह तक रियूनियन हो जाएगा, कुछ लोगों को 24 घंटे लगेंगे, लेकिन हम देखते हैं। अगर आपको पता है कि आपके इस लव लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो इस पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ करंट में क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी और इनके पार्टनर का करंट सिचुएशन क्या है, थर्ड पार्टी और इनके पार्टनर का करंट सिचुएशन क्या है। यस यस, मैंने बोला ना, आप देख सकते हो आपके पर्सन थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा नाराज है। हो सकता है कि करंट में थर्ड पार्टी इनको चीट कर रही है, ठीक है। ये भी एक वजह हो सकती है कि आपके पर्सन को लगने लगा है कि इनको इनके कर्मों की सजा मिल चुकी है, मिलने लगी है, जो इस पर्सन ने आपके साथ किया अब वही थर्ड पार्टी इनके साथ कर रही है, इनके पीठ पीछे इनको धोखा दे रही है। थर्ड पार्टी या तो किसी से बात कर रही है, चैटिंग कर रही है, या तो सच में इस थर्ड पार्टी का किसी और के साथ अफेयर हो सकता है, या तो शादी के पहले का अफेयर है जो कि अभी इनका फिर से जैसे कि मतलब जन्म ले रहा है फिर से आपके पर्सन के रिश्ते में, जो कि 4-5 महीने अगर 1 साल हो चुका है शादी को इन लोगों के, तो ये थर्ड पार्टी की जिंदगी में इनका एक्स पर्सन एंटर कर चुका है। ये चोरी छुप के उनसे बात करती है, चोरी छुप के शायद उनको मिलने के लिए भी जाती है, जो आपके पर्सन महसूस कर पा रहे इनकी तरफ से चीटिंग वाली एनर्जीज। आपके पर्सन करंट पे इस थर्ड पार्टी के बिहेवियर को लेके बहुत ज़्यादा सैड है, रो रहे हैं, परेशान है, और इसी वजह से आपके लिए इतना तड़पते हैं, या आपको दिल से सॉरी बोलना चाहते हैं कि इन्होंने आपके साथ जो भी किया उसका जो कि भगवान ने इनको पनिशमेंट दे दिया है, इनको भगवान ने जो कि माफ़ नहीं किया, आपका रिवेंज भगवान ने इनसे ले लिया है। करंट में आपके पर्सन आपको यही कहना चाहते हैं, ये पर्सन आपको सॉरी भी बोलेंगे, ये पर्सन खुद आपको आपके सामने इस थर्ड पार्टी की सच्चाई भी बताएंगे कि इनको ये रियलाइज हो चुका है कि थर्ड पार्टी कैसी है और सच्चा प्यार तो इनसे आप ही ने किया था। ऐसी एनर्जीज आज रात की बन रही है, ठीक है। तो यस, जिन लोगों के साथ भी रीडिंग रेजोनेट हुई, वीडियो को लाइक करना ना भूले। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।